अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम 2025 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिपीटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो हमें 2025 के मैथ के पेपर में आने वाले हैं, और इनके चांसेस जो हैं वो 95% हैं। ठीक है, और ये वाले जो क्वेश्चंस हैं वो पास्ट पेपर्स प्रीवियस 10 ईयर्स के सिलेक्ट किए गए हैं, और गेस्ट पेपर 2025 में भी हैं। और मैं साथ साथ आपको पेयरिंग स्कीम के बारे में भी बताऊंगी कि पेयरिंग स्कीम के मुताबिक किस चैप्टर से कितने शॉर्ट क्वेश्चंस और कितने लॉन्ग आ रहे हैं। तो आप इसके मुताबिक तैयारी करें और इंशाल्लाह जो है वो आप 95% मार्क्स जो हैं वो ईजिली लेकर आ सकते हैं। इसलिए फुल डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे वीडियो को एंड तक वॉच करें, हम चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। आप साथ साथ बुक पे निशान लगा लें या नोट डाउन कर लें और इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं इसमें शॉर्ट के लिहाज से 4 जो आएंगे हमारे एग्जाम में और 1 लॉन्ग आएगा। ठीक है, तो आप ये बताए हुए जो क्वेश्चन हैं इनकी बुक पर निशान लगा लें और इनकी प्रिपरेशन करें, तो इन्हीं में से ये 4 जो शॉर्ट आएंगे। ठीक है, और आप इन्हें इजीली कवर कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9 का और जो पार्ट 9 का बताया गया है 5 और 6 से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और एग्जांपल 3 जो पेज नंबर 14 पे है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 1.3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 2 के ये पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 4 के ये पार्ट्स जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 5 के 1 और 2 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 6 इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी स्टूडेंट्स, अगर आप चैप्टर नंबर 1 से ये बुक पे निशान लगा रहे हैं और इनकी प्रिपरेशन करें, तो आप एक जो है लॉन्ग डन कर सकते हैं अपना और 4 आने वाले शॉर्ट्स। ठीक है, ये पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें से 4 शॉर्ट आ रहे हैं और 1 लॉन्ग। जी स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर नंबर 2 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और लेंथी भी है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.1 से हमारे पास आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, 2 का सेकंड पार्ट जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.2 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स और एग्जांपल्स बहुत इंपॉर्टेंट है 7। ठीक है, जो मैं साथ साथ आपको एग्जांपल्स बता रही हूँ वो भी आपने मिस नहीं करनी। उसके बाद एक्सरसाइज 2.3 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 16 और 17 और इसकी ऑल एग्जाम्पल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद एक्सरसाइज 2.4 है, इसमें से क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4, 5 विद एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल्स जो है ये आपने चैप्टर नंबर 2 की सारी ही अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 2.5 है, इसमें से ऑल एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है विद एग्जांपल। उसके बाद एक्सरसाइज 2.6 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 का 8 वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 जो कंप्लीट विद एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.7 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 6, 9 और विद एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.8 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 विद एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 2.9 जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 विद एग्जांपल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 2.10 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 टू 4 विद एग्जांपल्स 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है वैसे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप यही चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह आते हों तो आप जो है एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें से हमारी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें आ रहे हैं 8 शॉर्ट क्वेश्चंस और 2 लॉन्ग क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे पास जो पहले वाला लॉन्ग का पोर्शन आएगा इसमें एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.5 तक आएगा, और दूसरा लॉन्ग का पोर्शन जो है एक्सरसाइज 2.6 से लेके 2.10 तक आएगा। ठीक है, और हमारे पास जो सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो होता है जिसमें हमने 8 शॉर्ट करने होते हैं आउट ऑफ 12, तो हमारे पास उसमें पहले जो शॉर्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें हमने 8 शॉर्ट करने हैं, उसमें 4 जो शॉर्ट हैं वो चैप्टर नंबर 1 से आ रहे हैं और 8 जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 2 से आ रहे हैं। और अगर आप मेरे ये बताए हुए क्वेश्चंस कर लेंगे तो आप अपने 16 मार्क्स जो है वो डन कर सकते हैं, क्योंकि हमने 8 क्वेश्चंस करने हैं आउट ऑफ 12। और उसके अलावा हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 में 2, और इसकी पेयरिंग स्कीम बन रही है चैप्टर नंबर 1 से के साथ, और चैप्टर नंबर 1 में से 1 लॉन्ग आएगा और चैप्टर नंबर 2 से इसका पोर्शन आएगा एक्सरसाइज 2.1 से लेके 2.5 तक। ठीक है, तो ये वाला भी आप कर लेंगे तो आप 1 लॉन्ग भी डन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 है, इसमें हमारे पास 7 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और 2 जो हैं इसमें भी लॉन्ग आएंगे। मैं आपको पहले बता रही हूँ चैप्टर नंबर 2 और 3 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
उसमें एक्सरसाइज 3.1 से आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट और दूसरा और 3 और 4 और 5, ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.2 से ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 15, 16 और 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 3.4 से ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.5 से क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 3.6 से ये वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3.7 से क्वेश्चन नंबर 3, 5, 9 और 11 इंपॉर्टेंट है। और एक्सरसाइज 3.8 में जो ये पार्ट्स बताए गए हैं और ये क्वेश्चंस जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो एग्जांपल्स आपको मैं बता रही हूँ 2, 3, 4 और पेज भी साथ मेंशन किया हुआ, ये भी आपने मिस नहीं करनी, ये आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करनी है क्योंकि एग्जांपल्स भी जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चैप्टर नंबर 2 और 3 की। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसके भी 2 लॉन्ग आ रहे हैं और 7 शॉर्ट आ रहे हैं, ठीक है। और अगर आप ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो आप अपने लॉन्ग भी डन कर सकते हैं और शॉर्ट भी, ठीक है। और इसकी पेयरिंग स्कीम जो है लॉन्ग की बन रही है चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज 2.6 से लेके 2.10 और एक्सरसाइज 3.1 से लेके 3.4 की क्वेश्चंस थे, ठीक है। इसमें से लॉन्ग आएंगी। तो अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज इजी लगती है तो आप ये वाले जो क्वेश्चंस जो है अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें तो आप जो है वो एक लॉन्ग भी डन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 है, इसमें हमारे पास 5 जो है शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग आएगा। और इसकी लॉन्ग की पेयरिंग स्कीम जो है वो चैप्टर नंबर 6 के 6.1 से लेके 6.5 तक की एक्सरसाइज तक है। तो अगर आपको ये वाले चैप्टर्स इजी लगते हैं तो आप उसकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयार कीजिएगा, ठीक है। शॉर्ट तो आप तैयार कर लेंगे जो, लेकिन लॉन्ग जो है वो पेयरिंग स्कीम के मुताबिक तैयार कीजिएगा क्योंकि हमारे पास 5 जो है लॉन्ग आते हैं और हमने उनमें से 3 प्रिपेयर करने होते हैं। तो आपको जो जो चैप्टर ईजी लगते हैं उसकी पेयरिंग स्कीम के मुताबिक उसके लॉन्ग जो है प्रिपेयर कर लें, ठीक है। जी स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 है, उसमें एक्सरसाइज 4.1 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 8, 9, 13, 14, 16 और 17 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.3 है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 15, 23 to 30 ऑल इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 4.4 से क्वेश्चन नंबर 2 to 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 4.5 से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 और एग्जाम्पल 9 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, हमारे पास इसमें से 5 शॉर्ट आ रहे हैं और एक लॉन्ग आ रहा है, तो इसकी पेयरिंग स्कीम शॉर्ट क्वेश्चंस की बन रही है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आता है जिसमें हमने 8 क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं आउट ऑफ 12, तो इसकी पेयरिंग स्कीम है चैप्टर नंबर 4 और 3 की। और चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 4 से हमारे पास 5 आ रहे हैं, इसमें से हमने 8 जो है प्रिपेयर करने हैं। अगर आप ये वाले क्वेश्चंस जो है अच्छी तरह प्रिपेयर कर लेंगे तो आप ये वाले भी 8 मार्क्स रन कर सकते हैं। और लॉन्ग की इसकी पेयरिंग स्कीम बन रही है चैप्टर नंबर 6 के साथ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर है 5, इसमें हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ये 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग आएगा, ठीक है। और इसकी पेयरिंग स्कीम है लॉन्ग क्वेश्चंस की चैप्टर नंबर 5 और एक्सरसाइज 3.5 से लेके 3.8 तक, ठीक है। अगर आपको ये वाली एक्सरसाइज भी इजी लगती है, चैप्टर नंबर 5 तो बहुत ईजी है, तो आप ये वाला क्वेश्चंस जो है लॉन्ग मिस मत कीजिएगा, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 5.1 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के ये वाले पार्ट्स, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 5.2 से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज 5.3 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें से 2 शॉर्ट आ रहे हैं और एक लॉन्ग आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 है, इसमें 6 शॉर्ट आ रहे हैं और 2 लॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 6.1 से ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ मैं आपको जो एग्जांपल्स बता रही हूँ वो भी मिस नहीं करनी। उसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर 2 है 6.2, फुल एक्सरसाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसमें एक्सरसाइज 6.6 जो है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 के ये वाले पार्ट्स और क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 6.7 की जो एग्जांपल नंबर 8 है, ये आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी। उसके बाद एक्सरसाइज 6.8 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का भी 1 पार्ट और क्वेश्चन नंबर 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 6.9 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 का 1st पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
जी स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 जो आ रहा है शॉर्ट क्वेश्चंस में, इसमें चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 से आएगा और इसकी मैं आपको शॉर्ट बता चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 5 से 2 शॉर्ट आ रहे हैं, चैप्टर नंबर 6 से 6 आ रहे हैं और एक लॉन्ग आ रहा है चैप्टर नंबर 5 में से, तो चैप्टर नंबर 6 से 2 लॉन्ग आ रहे हैं, ठीक है। और इसकी पेयरिंग स्कीम बन रही है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। चैप्टर नंबर 6 की पेयरिंग स्कीम बन रही है चैप्टर नंबर 4 से, 6.1 से लेकर 6.5 तक, और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसकी पेयरिंग स्कीम बन रही है हमारे साथ हमारे चैप्टर नंबर 7 के साथ। अब हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, हमारा चैप्टर नंबर 7 है, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है 5 जो है शॉर्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है और एक लॉन्ग के लिहाज से, और लॉन्ग जो है चैप्टर नंबर 6 के जो 6.6 से लेकर 6.9 तक एक्सरसाइज है उसके साथ आएगा चैप्टर नंबर 7 के लॉन्ग, ठीक है। इसकी पेयरिंग स्कीम इसके साथ बनती है। तो एक्सरसाइज 7.1 से ये वाले क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 7.2 से क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 7, 10 और 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक्सरसाइज 7.3 से ये जो एग्जांपल नंबर 8, 9 जो बताया है ये भी आपने मिस नहीं करनी। उसके बाद एक्सरसाइज 7.4 से क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एग्जाम्पल 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक्सरसाइज 7.5 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 का फर्स्ट पार्ट, 5 का बी पार्ट, 7, 8, 10, 2, 15 और एग्जांपल 6, 7 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, मैं आपको जो साथ साथ एग्जांपल्स बता रही हूँ वो भी आपने मिस नहीं करनी और मैंने आपको पेयरिंग स्कीम बताई हुई है साथ साथ, तो आपको जो जो चैप्टर ईजी लगते हैं वो अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें लॉन्ग के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी, तो आप अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी पेयरिंग स्कीम के साथ साथ इसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा मैंने इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यूज चैप्टर वाइज उसकी वीडियो भी अपलोड कर दी है और इसके अलावा पेयरिंग स्कीम की भी अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दी है, ठीक है। तो आप ये वाली सारी वीडियोज़ वॉच करें, मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं, तो आप अच्छे मार्क्स जो हैं हासिल कर सकते हैं 95% प्लस ईजिली, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपका ये काम है कि आप इनके बुक पे निशान लगा लें और इनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें, रोज़ एक चैप्टर करें या हाफ चैप्टर करें, तो आप एग्ज़ाम में ईजिली जो है 95% मार्क्स जो हैं हासिल कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।